हम अब तक वर्ल्ड के 4 ओशंस के बारे में मेनली सुनते आए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 8 जून 2021 को, जिसे हम वर्ल्ड ओशन डे के रूप में मनाते हैं, इसी दिन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने एक अनाउंसमेंट की है, जिसमें उन्होंने ऑफिशियली साउदर्न ओशन को अर्थ का 5th ओशन डिक्लेयर्ड किया है। हाँ फ्रेंड्स, अब अर्थ का 5th ओशन डिक्लेयर हो चुका है, जो है साउथर्न ओशन। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये न्यू ओशन ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है, तो क्या ये न्यू ओशन अर्थ पे आ गया है? तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये ओशन पहले से ही अर्थ पे मौजूद था, लेकिन बस इसे अब जाकर के अर्थ के 5th ओशन के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। इसे हम पहले अंटार्कटिका महासागर के रूप में जानते थे। हाँ फ्रेंड्स, अंटार्कटिका ओशन हम जिसे कहते थे, उसे आज अब ऑफिशियली साउदर्न ओशन के रूप में 5th ओशन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे पहले हमारे 4th ओशन कौन कौन से थे? तो इससे पहले हमारे 4th ओशन थे अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशंस और आर्कटिक ओशंस। तो ये हमारे 4 ओशंस पहले से थे, और अब 5वां इंक्लूड हो चुका है साउदर्न ओशन। और फ्रेंड्स, साउदर्न ओशन की सबसे खास बात ये है कि इसके बॉर्डर 3 ओशंस को टच करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, 3 ओशंस को टच करते हैं, और वो 3 ओशंस कौन कौन से हैं? तो वो 3 ओशंस हैं अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस और पैसिफिक ओशंस। ये तीनों साउदर्न ओशन को टच करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा अमेजिंग फैक्ट्स। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिख करके बताएं। और ये आज का हमारा सिर्फ और सिर्फ अमेजिंग फैक्ट्स ही नहीं, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी था। तो फिर आज देखते हैं क्या है आज का हमारा सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स, आज आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ये बताना है कि वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर तो मैंने वीडियो में ही दे दिया है, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, 2 गज की दूरी, लेकिन पढ़ाई भी है ज़रूरी, साथ ही साथ मास्क भी है ज़रूरी।